आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा। जहां जरूरत पड़े आप इन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न, ये सीरीज हमने आपके लिए ही पूरा तैयार कराया है। ये सीरीज में वो सारे प्रश्न रखे गए जहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं, और एनसीईआरटी की भूमिका आपकी परीक्षा में कितनी है ये आप खुद भी जानते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ इलनी भी दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है। आप लोग फटाफट सेशन के साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा, और जहाँ कोई दिक्कत हो, कोई बोर्ड आपका डिस्प्ले पर है कह रहा है कि सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण पारिस्थितिकी में रह सकते हैं, ये काफ़ी अहम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण परिस्थिति में रह सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, अंत परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में, समुद्रों में, ऑल ऑफ दी, इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं वे सभी इस सेशन का प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ जवाब भी जरूर दें, क्योंकि जब आप प्रश्नों के जवाब देते हैं तो हमारा और आपका भी ये दायित्व है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भली भांति पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को हम शेयर कर ले रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज पढ़ेंगे प्रश्नों को। शुरुआत में तो आपको लग रहा है कि अरे सर अभी तो सवाल शुरू किए हैं, नहीं बदल के हम लोग अब इसी के साथ प्रश्न बैंक को क्या करेंगे, काफ़ी तेजी के साथ पढ़ेंगे। ये सीरीज आप सभी को, जब भी हम बात, कई बार आपको मैंने बताया है कि जब परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे तथ्य को देखते हैं तो लगता है कि हाँ इस सेशन को एक बार नहीं कई बार देखना चाहिए। ये रिविजन सीरीज है, इसे आप रिविजन के लिए भी पढ़ सकते हैं, रिविजन के लिए भी इसकी उपयोगिता काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी हैं वे साथी सभी लोग इस सेशन में थोड़ा सा सहयोग करें कि खुद भी जुड़े रहें और जुड़कर खुद भी पढ़ते रहें। यहाँ पर अगर प्रश्न की बात करें, जो सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण पारिस्थितिकी में रह सकते हैं, वह अंतः परजीवी के रूप में भी है, बाह्य परजीवी के रूप में भी है, समुद्रों में भी है। मतलब एकदम आपने साफ और स्पष्ट जवाब दिया आप सभी लोगों ने, कि उपरोक्त सभी मतलब जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर चारों दिया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही, मतलब सवाल का सही विकल्प जो है वो डी है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है इष्ट क्या होता है। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इष्ट वास्तव में क्या होता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि इष्ट होता क्या है, जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए इष्ट क्या होता है। एक कोशिकीय जीव, मृत पोषी कवक, उपरोक्त दोनों, नीलहरित शैवाल। तो सभी साथी जवाब देंगे, जो भी साथी मित्र इस वीडियो में बने हुए हैं उन सबका जवाब अपेक्षित होगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी जवाब देना चाहिए, आखिर इष्ट होता क्या है, जवाब सभी का आना चाहिए। देखिए अगर हम इष्ट की बात करें तो एक कोशिकीय जीव भी होता है और मृत पोषी कवक भी होता है। मतलब यहां पर साफ और स्पष्ट है कि इस प्रश्न के ऊपर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बी भी दिया है, लेकिन इस प्रश्न का सब सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। उपरोक्त दोनों की बात करें मतलब यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है, तो यहाँ पर इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दोनों। तो कितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों दिया था, ठीक है। अब सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कॉमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो आपको साफ चल रहा है, कहीं किसी को दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपरोक्त सभी। ये पूरी एनसीईआरटी की साइंस है, मैंने पहले ही बताया ये एनसीईआरटी की साइंस है। तो बताइए इसमें क्या होगा, सवाल का जवाब सभी लोग दीजिएगा, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, ऑल ऑफ दी। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव होता है, जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी विकास जी स्वागत है आपका। देखिए यहां पर क्या होगा, जीवाणु भी होगा, विषाणु भी होगा, प्रोटोजोआ भी होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही है। ऑल ऑफ दीज वालों के जवाब ज्यादातर सही, ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है और डी वालों के सबके उत्तर सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है, वीर्योन पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, विषाणु में, सभी रोगाणुओं में, जीवाणुओं में, नीलहरित शैवालों में। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए नीलहरित शैवाल जो होता है इसे फाइलम साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए नीलहरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं।
ये मैंने नील ही सवाल के बारे में बता दिया, क्योंकि कई बार टॉपिक आपके बार बार जहन में आ रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा सर ये क्या चीजें हैं। विरयोम पाया जाता है, सभी सही जवाब देंगे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, ये विषाणु में। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही। मतलब जिन साथी मित्रों ने, देखिए आप इस विज्ञान की सीरीज के अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो इलनी विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद। अभी हम केवल केवल साइंस पे बात करेंगे। संकुचन धानियां पाई जाती हैं, जो संकुचन धानियां होती हैं ये पाई जाती हैं सभी जीवाणुओं में, एंट अमीबा में, अमीबा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ लोग को लग रहा सर बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन आप भी ये जानते रहिएगा कि कुछ प्रश्न आपको सरल कुछ कठिन लगेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आए हैं और एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन के लिए, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो उसके लिए रामबाण है और रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। तो संकुचन धानियां पाई जाती हैं सभी का सवाल आना चाहिए, सभी जीवाणुओं में, एंट अमीबा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, अमीबा में। मतलब जितने साथी मित्रों का जवाब यहां पर सी है उन सबके उत्तर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे इसी के साथ नए सवाल की तरफ और उम्मीद करते हैं आप लोग का जवाब पूरी तरह से सही होगा। अगला है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले सीलिया होते हैं, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके, जो पैरामीशियम में सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं। सभी लोग बताएंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले सीलिया होते हैं, सभी बराबर, सभी असमान लंबाई के, फर्श भाग में लंबे, अग्र भाग में लंबे। जी हाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, फर्श भाग में लंबे। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। कुछ लोग उत्तर गलत भी होंगे, तो जिनके गलत हैं उनको इस बात को ध्यान रखना है, दोबारा ये प्रश्न अगर आया तो गलती ना हो। वैसे हम इस सेशन खत्म करने के बाद थ्योरी के साथ भी लेकर चलेंगे एनसीईआरटी। हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राइजोपस हाइकी की दीवारें बनी होती हैं, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पेक्टिन की, काइटिन की। तो प्रश्न नंबर 7 का जवाब सभी साथी सभी मित्रों को देना है, जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में बने हैं। राइजोपस हाइकी की दीवारें बनी होती हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं। जी हां, राइजोपस हाइकी की दीवारें जो बनी होती हैं वो काइटिन की बनी होती हैं। अगर आपने सवाल का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, युगलीना किस उपवर्ग में आता है, एक्टिनोपोडा, फाइटोमेस्टिगोफोरा, जिमेस्टिगोफोरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर सवाल का जवाब सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पहली बार सुन रहा हो, कितने लोग होंगे जो कई बार इस प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रश्नों के जवाब आप सभी को जरूर देने हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके, जो भी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो यहां पर होगा फाइटोमेस्टिगोफोरा, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका बी। तो बी अगर आपने बताया तो सही, नहीं अगर कोई बताया तो इसको याद रखिएगा। वैसे इसकी नोट्स आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मिल गया होगा पूरा पूरा। आगे हम बात करते हैं, किस विषाणु को सबसे पहले निर्जीव रूपों में संश्लेषित किया गया था। अच्छा, विषाणु क्या है वायरस? ये विषाणु जो है अकोशिकीय होता है, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक तथा प्रोटीन में स्थित जो न्यूक्लिक अम्लों से बनी एक ऐसी संरचना है जो केवल जीवित कोशिकाओं में जनन करती है तथा कोशिकाओं के बाहर केवल एक रासायनिक अणु या कण के रूप में होती है। विरियोन के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने, तो विरियोन विषाणु की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है जिसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है। विषाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, ये केवल पूर्ण अंतराकोशीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगर एक विषाणु की संरचना की बात करें ना, एक विषाणु की संरचना अत्यंत सरल होती है। ये न्यूक्लिड अम्ल आरएनए डीएनए के कोड का बना होता है जो प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे आपकी मर्जी, तथ्य को पढ़ें या ना पढ़ें। तो प्रश्न नंबर 9 के जवाब सबको दे रहा है, विषाणु को सबसे पहले निर्जीव रूपों में संश्लेषित किया गया।
तो यहां पर होगा तंबाकू मोजेक विषाणु, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपका जवाब सही है। हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगला है थैलोफाइटा में सम्मिलित है, थैलोफाइटा में सम्मिलित है जीवाणु शैवाल कवक एवं जीवाणु विषाणु एवं जीवाणु, सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हां, अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होता शैवाल। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, उन सभी लोगों का जितने भी लोगों ने इस सवाल का उत्तर बी बताया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, अगले सेशन की तरफ। थैलोफाइटा में सम्मिलित है जीवाणु कवक जीवाणु विषाणु एवं जीवाणु, तो अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें इस प्रश्न का उत्तर होगा शैवाल, और यह आपके सिलेबस में है और यह आपके नोट्स में मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तथ्यों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं आपके साथ ही। अगला है सभी शैवालों में होता है क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए तथा बी, थाइकोबिलिन तथा कैटोटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं वे जवाब देंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे इसे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जहां भी आपके लोगों तक पहुंचाइएगा। प्रतिदिन क्लास में टाइम से बने रहेगा टाइम तक के लिए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। जी हां, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो सभी सवालों में होता है क्या होता है क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा ए होगा। तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं इसके नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास स्टेप बाय स्टेप करते चलिएगा। अगला है आपके सामने, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पे देखिए नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे यूपीपीसीएस की पीट की नोट्स होगी, केवीएस की होगी, लेखपाल की, यूपी ट्रिपल एससी पेट की होगी, सुपर टेट की होगी, पुलिस की होगी, यूपी टेट की होगी, सी टेट की नोट्स होगी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहां पे एक नंबर दिया गया है, सभी जनपद जौनपुर से क्लासेस चलती हैं, आप चाहे तो ले लें। चलिए हम और आगे चलते हैं। हाँ, अगर कोई उत्तर देखिए वीडियो फेसबुक पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी लोग उत्तर दे रहे हैं। द्विखंडन से जो अनुप्रस्थ रूप में होती है पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, अमीबा में। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। द्विखंडन जो अनुप्रस्थ रूप में होती है पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, अमीबा में, सभी साथी जवाब देंगे। द्विखंड जो अनुप्रस्थ रूप में होती है सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, जहां भी सेशन को लाइव देख पा रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं कमेंट करें जवाब दें। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया इस प्रश्न का, पैरामीशियम इस प्रश्न का सही जवाब है पैरामीशियम। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गैमेटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है, गैमेटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, नोक्टिक लुका में, डायटम में, अकोस्की सलाइव मोल्ड में, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। कुछ को लग रहा होगा सरल सवाल है, कुछ को लग रहा है कठिन सवाल है, लेकिन क्लास में बने रहना जरूरी है आपके। गैमेटिक और सूत्र विभाजन होता है, क्योंकि मैं बार बार कहा पूरा एनसीईआरटी का सेशन है। अगर गैमेटिक और सूत्र विभाजन की बात करें तो नोक्टिक लुका में भी है, डायटम में भी है, अकोस्की सलाइव मोल्ड में है, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो जवाब सही है। हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। डायटम में संचित भोजन होता है, बहुत ही सरल सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं, स्टार्च, पारामाइलम, क्राइसोलैमिनेरिन, ग्लाइकोजन। तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, आपका जवाब जरूर आना चाहिए। बताइए चलो फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो डायटम में संचित भोजन जो होता है ना, क्राइसो
लैमिनेरिन होता है, अर्थात सी सवाल का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, जीवाणुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? जीवाणुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रिका, ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव, पोषण ग्रहण। प्रश्न नंबर 15 के जवाब सभी साथी दीजिएगा। यहां पे होगा ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव। शीर्ष प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जितने भी साथी मित्रों ने इस प्रश्न का जवाब सी बताया है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जीवाणुओं के जीनोम को कहा जाता है, जीवाणुओं के जीनोम को कहा जाता है न्यूक्लिकोलस, न्यूक्लिकोवायड, न्यूक्लियस, उपरोक्त सभी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। न्यूक्लिकोवायड अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। अगला यहां पर देखिए, नोट संबंधी सभी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इन सभी के नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, एनसीईआरटी की बने हुए निचोड़ है ये, ठीक है, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। अगला सवाल ध्यान से आपको देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। स्प्रोट्राफस, फोटोआटोट्राफस, चेमोहेट्रोट्राफस, चेमोआट्रोफास। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? कुछ लोग के सामने नया सवाल होगा, कुछ लोग को लग रहा है पहली बार इन्होंने पढ़ा होगा, तो फोटोआट्रोट्राफस होगा। यहाँ पे सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आपके ही साथ चलते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए प्रश्नों की, वैसे इसकी क्लास के बाद टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। डिक्टोयोसोम निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? जीवाणुओं में, पेंसिलियम में, रजोपस में, म्यूकर में। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग, डिक्टियोसोम मिक्योर में पाया जाता है, रजोपस में पाया जाता है, पेंसिलियम में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में नहीं पाया जाता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंड से पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूंगा ऐसे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लें। हम आगे बढ़ते हैं। जीवाणु मुख्यतः वृद्धि जनन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं में मुख्यतः वृद्धि जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, कोनिडिया द्वारा, द्विखंड विभाजन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी साथी जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आपने बताया है, द्विखंड विभाजन के द्वारा। सभी लोगों ने इसका जवाब सी दिया है, तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। हम और आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि क्लास, जीवाणुओं को की कोशिका भित्ति बनी होती, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है लिपिड की, सेलुलोज की, फाइटिन की, पेंटी ग्लाइकन की। तो प्रश्न नंबर 20 के जवाब सभी साथी मित्र जरूर देंगे, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? लिपिड की, सेलुलोज की। देखिए टेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर जरूर जुड़िएगा। ये क्लास की लिंक हो, वीडियो हो, सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। सभी साथी लोग प्रश्न नंबर 20 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगर प्रश्न नंबर 20 की बात करें, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, पेंटी ग्लाइकन की बनी होती है, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा? आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब सही है, बाकियों के जवाब तो गलत है। हम बढ़ते इसी के साथ फिर से एक अगले सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, इष्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है पेक्टिन की, सेलुलोज की, पेक्टोज की, काइटिन तथा मैनन की। तो सभी लोग प्रश्न नंबर 21 का जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इष्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, काइटिन तथा मैनन की। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आपका डी, काइटिन तथा मैनन की। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है?
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं। कवक नहीं है, सार्गासम, एगेरिकस, मार्केला, म्यूकर, ये एनसीईआरटी है। मैंने पहले बताया पूरा एनसीईआरटी का सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी की साइंस है। एनसीईआरटी की साइंस है, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 22 में। देखिए म्यूकर भी है, मार्केला भी है, एगेरिकस भी है, लेकिन सार्गासम नहीं है। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा आपका ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। आपके सामने है, इष्ट में वृद्धि प्रजनन होता है, इष्ट में वृद्धि प्रजनन होता है एकाइनिड्स द्वारा, एटलानिस्पोर्स द्वारा, एस्कोस्पोर्स द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इष्ट में वृद्धि प्रजनन होता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इस सेशन में जुड़े हैं। तो इष्ट में जो वृद्धि प्रजनन होता है ना, ये मुकुलन द्वारा होता है। डी वालों के जवाब यहां पे सही है। आपके सामने समय भी चलता होगा इस क्लास में, कितने समय में आप प्रश्न के जवाब दे रहे हैं वो भी आप खुद से भी देखते चलिएगा। हम और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका भित्ति रहित है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, इष्ट, नील हरित शैवाल। जवाब सभी लोग दीजिए फटाफट कमेंट करके। कौन कोशिका भित्ति रहित होता है? जी हां, जीवाणु होता है, इष्ट होता है, नीले सवाल होता है, लेकिन कोशिका भित्ति रहित की बात करें तो माइको प्लाज्मा होता है। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं उनके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। सभी लोग बताइएगा, ये आज का आखिरी सवाल है। कल हम लोग कोशिश करेंगे बड़ी क्लास, आप लोग संख्या बढ़िए ताकि हम और बड़ी क्लास लेकर आए। ये पूरे एनसीईआरटी के सेशन है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेशर सर्च करके इन लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहां पे सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय फलती रहती हैं। अगर हम बात करें टेलीग्राम के, तो ये पूरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर सभी साथी जुड़िएगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इन लर्निंग विद दुर्गेश है। नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिलती रहती हैं। सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आपके लिए लाइव चल रही हैं। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आरएनए में, आरएनए केवल, डीएनए केवल, आरएनए डीएनए दोनों। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा आरएनए और डीएनए। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। प्रतिदिन क्लास टाइम से रहिएगा, इसी समय क्लास डेली चलती है और इसकी लिंक आपको मिलती रहेगी। कल से क्लास हम कोशिश करेंगे और बड़ी होगी, लेकिन आप अपनी संख्या बल भी बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, अभी हम लोग पूरा एनसीईआरटी पूरा सेशन खत्म कर लेंगे, फिर हम मिस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, और कल से एक दो प्रश्न क्लास हम और बढ़ाएंगे, लेकिन आप संख्या बढ़ाइए, हम क्लासेस की भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे क्लास खत्म होती है इस प्रश्न बैंक की पीडीएफ आपको चाहिए, इसकी इमेज फेसबुक पे मिल जाती है इन लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो जहां भी आपको मिल जाए पढ़ते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े, और आपकी रेस सिलेक्शन से है, और सिलेक्शन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो अपना बेहतर और बेस्ट भी देते रहिए। कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम चाहते हैं कि आप इसी सेशन में इस तरह बने रहें और अपना बेहतर भी देते रहें। सभी लोग ठीक है।